जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना, गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड? एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड है। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते, पर ये क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे, समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे, प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तुम तो पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्यार और उसकल्लू शाम के साथ मार डालो। अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही, उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। इन लोगों ने हमें जमीन नहीं दी, हम इन्हें बेघर कर देंगे। ऐसी आग लगाएंगी कि कोई माई का लाल इसे बुझा नहीं पाएगा। पिछले 20 बरसों से मैं बस यही कोशिश करता आया हूं कि हम दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव और गांव वालों पर कोई आंच ना आने पाए। इन्होंने कई बार फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी कोशिश यही रही कि मैं पलटकर वार ना करूं। सर, अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव जल जाता। साहब, किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं, खुशी के मारे ज्यादा पीकर खुद बस्ती को आग लगा दी होगी। इनके घर में कोई नया पढ़ लिख कर आया है, उसी ने आग लगवाने के लिए बोला होगा ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली जाए। SP साहब, इनकी बेकार की बातों पर यकीन करके हमें दोबारा यहाँ मत बुलाइएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सॉरी देवाजी, मैं जानता हूँ कि आग लगाने में इन्हीं का हाथ है, पर मैं कानून के आगे मजबूर हूँ। सूरज भी दिन भर चमक कर थक हार कर पश्चिम में डूब जाता है।
पता नहीं इन लोगों की हरकतों की शाम कब होगी। उस शाम का इंतजार है। नमस्ते। भाई मैंने तो सोचा था कि गांव के आदमी हमला होने के बाद हम पे पलटवार करेंगे, लेकिन ये तो औरतों की तरह पुलिस के पास अपना रोना रोने आ गए। इस बार सिर्फ घरों को आग लगाई थी, टाइमिंग का गड़बड़ हो गया वरना घर में रहने वाले भी जल जाते। तुम आदमी हो या जानवर? ए, मुझे जानवर बोलता है। अरे रुको रुको रुको, छोड़ो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो, बंद करो। जय, मैं भी आ रहा हूँ। हम किधर नहीं शेर हैं जो तेरे इलाके में आके तेरा शिकार कर रहे हैं। अगली बार तूने या तेरे चमचों ने गांव में कदम रखा तो तेरा सर होगा और मेरा टायर होगा। भैया भैया आप ठीक तो है ना? भैया जय, कहां गए थे बेटा? अपने गांव वालों को कुछ तकलीफ थी, हम दोनों मिलके उसे ही दूर करने गए थे। गांव के हालात ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को भनक भी लगे कि तुम मेरे बेटे हो और कैसे दिखते हो। मेरी मानो तो तुम यहां से वापस शहर लौट जाओ, इस वक्त यही सही है। यहां के हालात सुधरते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसमें और मुझमें फर्क क्या है? तुझे फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे बैठ बोला ना। हाँ बता। अच्छा बताओ तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तुझसे लंबा दिखेगा, हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग? रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है, मेरा रंग पक्का है। अच्छा, थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट, और क्या था? हाँ पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई की नहीं, बैठ जा, इसकी पढ़ाई की बात करा था, अनपढ़ है। नेक्स्ट पढ़ाई। ए, ए, चल बैठ बैठ बैठ। अरे पूरा मूड खराब कर दिया। ए, मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया, टाई हो गया, दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे। आर या पार। गांव के इतने घर जलाने के बाद भी देवा हमसे समझौता करने के लिए तैयार था। वो बस चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन ये अचानक कौन आ गया? वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देवा का बेटा, देवा का सगा बेटा। अब हमें संभल कर रहना होगा भैया, वो यहां आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके गुस्से और ताकत को देखा है, हम में से अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। वो रहता कहां है बता? वो और उसकी माँ दोनों मुंबई में रहते हैं, कुछ दिनों के लिए यहां पर आया है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, उसे जल्दी खत्म करना होगा। जाओ और उस देवा की औलाद को टपका डालो। मुझे रोज फोन करना। क्या यार? पीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अपनी पैकिंग करनी है, चलो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से बोलूं। पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर ये दिल मानता नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हारी आंखों का नूर, ये सुरूर लाखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो,
कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जा। अरे बेटा, एक बार जाने से पहले गले तो मिल ले, ऐसे क्यों कर रही है? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। मम्मी बाय, बाय बाय सब लोग, अपना ख्याल रखना, बाय। आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं, मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ वीना। हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते, लोग प्यार की भाषा बोलते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो। और क्या बात हो रही थी? वो नई नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो, और उसे डिस्टर्ब मत करो।